हेलो बच्चों, आज आप चित्र के माध्यम से बहुत कुछ सीखने जा रहे हो। आज मैं कक्षा एक के छात्रों को पाठ आठ चूहों म्याऊं सो रही है के पाठ को विस्तार से समझाने वाला हूँ, तो कृपया आप लोग ध्यान से सुनिए, चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें यह चित्र जो है, एक चूहा है। बिंदु जोड़कर चित्र पूरा करो, बिंदु जोड़कर चित्र पूरा करो। देखो, ये जो बिंदु हैं इनको आप पूरी तरह से जोड़िए। कहीं से भी आप शुरू कर सकते हो। ये देखो, इधर से बिंदु को जोड़ना शुरू करो। ये पूरा एक लाइन से ये बिंदु जोड़िए। ऐसे ऐसे बिंदु को जोड़ेंगे तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं। तो ये जो है एक हाथी की सूंड बन जाएगी, ठीक है। इन बिंदुओं को जोड़ने से हाथी की एक सूंड बनेगी। ये हाथी का एक पैर बन जाएगा, ये हाथी का दूसरा पैर बनेगा। इस प्रकार से हाथी का और पैर बन जाएगा और ये भी पैर बन जाएगा। तो जब आप पूरे बिंदुओं को इस तरह से जोड़ लेंगे तो आपको एक हाथी का चित्र जो है नजर आएगा, और ये उसकी सूंड है जो कि सूंड इसने ऊपर करके रखी। तो जल्दी से इस हाथी का चित्र बनाइए बिंदु जोड़कर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। शाबाश, अब चित्र में कोई रंग भरो। तो हाथी का रंग कैसा होता है? हाथी का रंग काला होता है, तो इसमें आप काला रंग भर सकते हो। ये चूहा खुश हो गया। अब हम पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। चूहा तो आपने देखा ही होगा, ये घर में पाए जाते हैं, तो चूहा तो सभी लोग जानते हैं। ये चूहे का चित्र बना हुआ है। चलिए मेरे साथ चूहों के बारे में पढ़ते हैं। इस पाठ का नाम है चूहों म्याऊं सो रही है। चूहो म्याऊं सो रही है। घर के पीछे छत के नीचे पांव पसारे पूंछ सवारे देखो कोई मौसी सोई। नसों में से सांसों में से घर 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 हो रही है। चूहों म्याऊं सो रही है। बिल्ली सोई खुली रसोई भरे पतीले चने रसीले उल्टो मटका देकर झटका जो कुछ पाओ चट कर जाओ आज हमारा दूध दही है। चूहों म्याऊं सो रही है। मूछ मरोड़ो पूछ सिकोड़ो नीचे उतरो चीजे कुतरो आज हमारा राज हमारा करो तबाही जो मन चाहे आज मची है चूहा साही। डर कुछ भी चूहों को नहीं है। चूहों म्याऊं सो रही है। तो एक बार हम पूरे चित्रों को देख लेते हैं कि पूरे चित्रों में हो क्या रहा है, ठीक है। ये देखो, ये चूहे क्या कर रहे हैं, एक रस्सी पर चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने कपड़ों को काट काट दिया है, और ये पतीलों में जो अनाज भरा हुआ है इसको खा रहे हैं और फैला भी दिया है इन्होंने, ठीक है। चूहे इस तरह से नुकसान भी कर रहे हैं। अगले चित्र में ये घर की छत पर एक कबूतर बैठा हुआ है। इधर देखो, रसोई घर का दरवाजा खुला हुआ है। एक चूहा दरवाजे के ऊपर चढ़ा हुआ है, और रसोई घर में भी चूहा बर्तनों में जो अनाज है उसको खा रहे हैं। ये गिलहरी है, ये कबूतर उड़ रहा है, और रसोई घर के बाहर बिल्ली सो रही है। इसीलिए
चूहे चूहों को कोई डर नहीं है और वो रसोई घर में मजे कर रहे हैं, खा रहे हैं। पढ़ो अब मेरे साथ पढ़ो। घर के पीछे छत के नीचे, तो घर के पीछे और छत के नीचे कौन है? चूहा। पांव पसारे पूंछ सवारे कौन है? पांव पसारे पूंछ सवारे बिल्ली है। भरे पतीले चने रसीले, ये देखो पतीले में चने भरे हुए हैं। उल्टा मटका देकर झटका, ये देखो मटका जो है थोड़ा टेढ़ा हो गया है, उलट गया है ना, थोड़ा झटका देने से, चूहों ने से थोड़ा झटका दिया तो मटका जो है थोड़ा उलट गया है। और देखो मूछ मरोड़ो पूछ सिकोड़ो, ये देखो ये बिल्ली है, इसने पूछ को सिकोड़ लिया है और मूछ को मरोड़ लिया है। नीचे उतरो चीजें कुतरो, ये चूहे जो है खाने की सामग्री को कुतर रहे हैं। इस प्रकार से है, इधर भी देखो क्या लिखा हुआ है। चलो चूहा बनाए। बच्चों चूहा कैसे बनाओगे? बहुत आसान है, इसके लिए पहले तीन लिखो, ठीक है? इस तरह से तीन लिख लो। मूछ कान बनाओ, इस प्रकार तीन का जो ये कोना है, इस कोने में एक मूछ बना दो, आंख बना दो और यहाँ फिर कान बना दो, ठीक है? आंखें और पैर बनाओ, इस प्रकार से आंख बना दिया यहाँ पे और तीन के नीचे इधर पे पैर बना दो, इधर भी पैर बना दो, है ना? तो इस प्रकार से और पूंछ बनाओ और ये इधर से पूंछ बना दो, तो क्या बन गया? एक चूहा बना, है ना? आहा चूहा, एक चूहा का जो चित्र बन गया बहुत ही आसानी से। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये हाथी है, एक लड़का इस पर चढ़ा हुआ है और एक लड़का इस हाथी के पीछे आ रहा है और हाथी भी पीछे की तरफ देख रहा है। तुक मिलाओ, आगे बढ़ाओ। ये देखो ये कुछ अच्छा है, इनको भी पहचान लो। ये है दा और ये है उ, दा उ। ये देखो ये एक सांप का चित्र है ना? इसको पढ़ना शुरू करो। सांप के चित्र में क्या क्या लिखा हुआ है? सोई खोई पतीले मटका पसारे मरोड़ो उतरो, यहाँ पे खत्म हो गया। ये देखो ये क्या चित्र है? मकड़ी ककड़ी लकड़ी, ये क्या है? मकड़ी है जो अपने जाल में सो रही है, ठीक है? ककड़ी, ये मकड़ी के हाथ में ककड़ी है ना? और लकड़ी तो नहीं दिख रही है, शायद यहाँ पर कुछ लकड़ी होगी। अब चलो इसको पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग, मेरे साथ पढ़ो। हमने तीन चीजें देखी, दादा तीन चीजें देखी, एक डाल पर थी एक मकड़ी, लकड़ी पर बैठी थी मकड़ी, मकड़ी खा रही थी ककड़ी, लकड़ी मकड़ी ककड़ी, मकड़ी ककड़ी लकड़ी, ककड़ी लकड़ी मकड़ी। और आगे है ये, हमने तीन चीजें देखी, दादा तीन चीजें देखी, एक खेत में थी कुछ बालू, बालू पर बैठा था भालू, भालू खा रहा था आलू, बालू भालू आलू, भालू आलू बालू, आलू बालू भालू। ये देखो ये है आलू, ये है भालू और यहाँ पर क्या है? बालू।
भालू आलू भालू, भालू मजे से आलू खा रहा है बालू में बैठकर। तो इस प्रकार से आज हमने एक कविता पढ़ी, आपको आनंद आया होगा। इसी प्रकार से आगे की कविता पढ़ने के लिए, आगे के पाठों को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यह पाठ पाठ जो हो म्याऊं सो रही है इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।